माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और सामने आप देख रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे से सेकलेंट्स। और बिल्कुल मैंने आप लोगों से अपनी नर्सरी शॉपिंग शेयर की हुई है, तो कुछ इस तरीके से सेकलेंट्स मैंने बाय किए हैं और मैं इसे रिपोर्ट कर रही थी, तो सोचा आप लोगों को भी बिल्कुल बता दूँ कि हमारे जो सेकलेंट्स होते हैं बहुत ही डेलिकेटेड होते हैं, और अगर आप इनको सही बिल्कुल इनका सॉइल नहीं देंगे तो ये बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं और भी इनके डैमेज होने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या क्या है वो सारी चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं इसका सही सॉइल मिक्स आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपकी जो सेकलेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे चलेंगे और उनकी जो डैमेज होने की जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं और सॉइल मिक्स बनाते बनाते हम आपसे कुछ बातें भी करते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ये मैंने लिया हुआ है कोकोपीट, जिसको बिल्कुल मैंने ड्राई अप कर लिया है, बिल्कुल सुखा लिया है, ये देखिए। तो कोकोपीट जो है वो काफ़ी अच्छा मॉइस्चर होल्डर होता है। तो हमें जो अपने सॉइल देनी है ना अपने सेकलेंट्स को, वो बिल्कुल पोरस देनी है, ऐसी मिट्टी नहीं देनी है जो बंधी हुई हो और जो बिल्कुल पानी को होल्ड करके रखे, ऐसी बिल्कुल मिट्टी देनी है जो हमें हमारे सेकलेंट्स को काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशंस भी दे और उनको जो है वो एकदम पोरस सॉइल दे, ताकि उनकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से फैल जाएं और उनकी रूट डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो। इसके लिए हमें कोकोपीट हमें यूज़ करना है। और अगर आप सैंड यूज़ करते हैं तो इसमें बिल्कुल, जैसे आपने ये कोकोपीट लिया है, मैंने यहाँ पे दो पार्ट कोकोपीट लिया है, तो दो पार्ट आप सैंड लीजिए। और अगर आप इसमें गार्डन सॉइल मिक्स करना चाहते हैं तो गार्डन सॉइल ऐसा हो जिसमें सैंड की अच्छी खासी क्वांटिटी हो। तो मेरे पास जो हमारा गार्डन सॉइल है, तो यहाँ पे एक पार्ट मैं ये गार्डन सॉइल ले रही हूँ और हमारे इस गार्डन सॉइल में रेत जो है वो पहले से एडेड है, क्योंकि ये हमारे गमले की ही मिट्टी है जो बिल्कुल मैं स्टरलाइज करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गार्डन सॉइल लिया है, साथ ही में अब अपने बिल्कुल सेकलेंट्स को थोड़ा सा हम न्यूट्रिशन भी देंगे। तो यहाँ पे मैं कंपोस्ट यूज़ कर रही हूँ, तो जो भी आप कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं हमारे सेकलेंट के लिए वो पुराना ही होना चाहिए, पुराना खाद ही हमें यूज़ करना है। अगर लीफ कंपोस्ट होता है आपके पास तो वो बेस्ट है, नहीं तो आप कोई भी कंपोस्ट इसमें एक पार्ट यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे एक पार्ट मैं कंपोस्ट यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा लाइट वेटेड बिल्कुल सॉइल बनाने के लिए यहाँ पे मैं पर लाइट यूज़ करूँगी, जो हमारे बिल्कुल सेकलेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है पर लाइट। तो यहाँ पे मैं पर लाइट यूज़ कर रही हूँ, साथ ही में हमारे बिल्कुल जो सेकलेंट्स होते हैं उनमें फंगल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए यहाँ पे मैं नीम केक यूज़ कर रही हूँ। तो 2 से 3 चम्मच आप इसमें नीम केक ऐड कर लीजिए और अब हम इस सॉइल मिक्स को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चारकोल है तो चारकोल भी आप इसमें मिला सकते हैं, जो वुड चारकोल होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, तो आप वुड चारकोल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सॉइल मिक्स हमारी बन गई। अब जो हमें अपना प्लांट लगाना है, तो प्लांट लगाने के लिए आप इस तरीके से ब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं नीचे की ओर गमलों में, और अगर आपके पास चारकोल है तो वो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो चारकोल को अपने गमलों में जो है वो बिल्कुल नीचे की ओर एक लेयर पूरा लगा दें, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा अगर हम पानी भी दे देते हैं तो वो हमारा जो है वो नीचे होल्ड करके रखे चारकोल, और जब भी हमारे सेकलेंट को ज़रूरत हो तो उनको वो पानी दे दे। तो मैं पहले ये सॉइल जो है वो अपने सारे गमलों में भर लेती हूँ, उसके बाद आपको रिपोर्ट करते हुए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने जो ये मिक्स है इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और अपने सेकलेंट्स को हम निकाल लेंगे। और देखिए, अगर नर्सरी से लाए हुए प्लांट में आपको कुछ इस तरीके से लीव्स वगैरह मिले तो आप इसको बिल्कुल भी फेंके नहीं, आप इसी सॉइल मिक्स में इसे बिल्कुल प्रोपोगेट भी कर सकते हैं और बिल्कुल इससे एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं इस तरीके से बाय लीव्स। तो बहुत ही इजी होता है हमें बिल्कुल, अगर आप एक प्लांट से 2-3 प्लांट बनाना चाहते हैं तो सेकलेंट से लीव से भी आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए, इसकी मैं जो है मैंने बहुत सारी जो सॉइल है वो बिल्कुल मैंने निकाल दिया है, जो नर्सरी वाले जो सॉइल लगाते हैं उसको मैंने काफ़ी हद तक निकाल दिया है। और इस तरीके से करने के बाद मैंने यहाँ पर जो सॉइल बिल्कुल हाफ भर लिया था अपने गमले में, इसके बाद हम इस तरीके से अपना जो ये सॉइल है डाल लेंगे चारों ओर से,
और सेकलेंट को जब भी आप वाटरिंग करें तो हफ्ते में सिर्फ एक बार आपको करना है। अभी जब हम इसे रिपोर्ट कर रहे हैं तो पहला पानी हम इसे अभी देंगे और इसके बाद जस्ट हमें एक हफ्ते बाद ही इसमें पानी देना है। तो सेकलेंट जो जितना ज़्यादा ओवर वाटरिंग से डेड होता है उतना ज़्यादा बिल्कुल भी अंडर वाटरिंग से नहीं डेड होता, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है और हफ्ते में आपको सिर्फ एक बार ही पानी अपने सेकलेंट्स में देना है। और इस तरीके से देखिए हमारा सेकलेंट बिल्कुल रिपोर्ट हो गया है और बहुत ही खूबसूरत से इस तरीके से पॉट में मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया है। बाकी भी सेकलेंट्स मैं रिपोर्ट करके आपसे शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, अपने सारे सेकलेंट्स को मैंने रिपोर्ट कर लिया है। बात कर लेते हैं इनकी कुछ केयर और टिप्स की। तो बिल्कुल मैंने आप लोगों से इसका सॉयल मिक्स शेयर कर लिया और मैंने ये भी बता दिया कि ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी है। तो मैंने एक वाटरिंग इसमें करी है और जब भी आपको सेकेंड वाटरिंग करनी है ना, तो बिल्कुल आपको इसका जो सॉयल है अपर लेयर उसको आपको टच करके देख लेना है कि ये इनमें मॉइस्चर है कि नहीं। अगर आपको ये अपर लेयर ड्राई लगे तभी आपको इसमें वाटरिंग करनी है। और इस तरीके से आप रिपोर्ट करने के बाद इसमें पेबल्स भी नीचे एक लेयर लगा दें ताकि जो आपका ये सेकलेंट प्लांट है ये बिल्कुल भी सॉइल में टच ना करें। इससे क्या होता है ना, इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी नहीं रहता है और ये बिल्कुल इनमें फंगस वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट होती है। अगर आप एक लेयर अपने सारे सेकलेंट्स में नीचे की ओर लगा देते हैं तो ये ख़राब भी नहीं होते जल्दी। तो ये एक काम आप कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं अब हम इसकी वाटरिंग पे ही हम बात कर रहे थे। तो वाटरिंग जब भी आप करें आपको ऊपर से पानी नहीं देना है। अगर आप ऊपर से पानी देंगे तो इनमें फंगस की प्रॉब्लम होगी और ये गलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप डेली बेसिस पे इस तरीके से अपर आपको ऊपर से वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप जब भी पानी दें तो आप एक काम कर सकते हैं, टब में नीचे पानी भर के आप ये प्लांटर उसमें रख दें और ये नीचे से सक कर लेगा बिल्कुल पानी। और अगर आपको पानी देना भी है तो साइड से आप दे सकते हैं। बिल्कुल भी प्लांट के ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ना चाहिए, इससे प्लांट में फंगस की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। और कभी कभी लोग गलती क्या करते हैं, जो स्पेशली बिगनर्स हैं वो गलती ये करते हैं कि अगर आपको प्लांट कहीं से गंदा लग रहा है, जैसे ये मेरा प्लांट अभी बिल्कुल रिपोर्ट करते समय कुछ सॉयल वगैरह चल गया, तो उसको पानी से धुलने की गलती करते हैं जिससे उनका जो ये प्लांट है वो डेड हो जाता है। तो जब भी आप इस तरीके के सेकलेंट्स को क्लीन करना हो तो इस तरीके से ब्रश का यूज़ कर सकते हैं और ब्रश से इसके जो लीव्स हैं वो आप इस तरीके से, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से ब्रश की हेल्प से अपने सेकलेंट्स को क्लीन कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे से क्लीन भी हो जाएंगे और ये ओवर वाटरिंग से डेड भी नहीं होंगे। तो ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इनकी सनलाइट की। तो देखिए विंटर्स हैं इस समय, तो विंटर्स में आप इसको फुल सनलाइट बिल्कुल दे सकते हैं। फुल सनलाइट में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जिनके जो लीव्स होते हैं, देखिए सेकलेंट्स जो है अपने लीव्स से ही ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं और इनमें डिफरेंट डिफरेंट बिल्कुल लीव्स होते हैं सभी प्लांट्स में, और लीव्स में ही ये बिल्कुल वाटर भी स्टोर करके रखते हैं। तो आप विंटर में इनको बिल्कुल सनलाइट दे सकते हैं। और अगर ऐसे एरिया में रहते हैं थोड़ा ब्राइट लाइट आए तो भी बहुत ही अच्छा है, ब्राइट लाइट में आप इसको बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन समर में आपको इसकी स्पेशल केयर की जरूरत है, ऐसी जगह रखें जहां बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट ना आए, थोड़ा आप इसको ब्राइट लाइट में रखें और तेज धूप और तेज गर्मी से आपको इसे बिल्कुल समर में बचाना होगा। तो जब भी समर में होगा मैं आपको समर केयर जरूर आपको अपलोड करके दूंगी। और अभी विंटर है तो आप इसे फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं या फिर ऐसी जगह शिफ्ट कर सकते हैं जहां एकदम ब्राइट लाइट आए और ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। आप इसको इंडोर अगर रख रहे हैं तो आपको इसे बीच बीच में धूप में रखने की जरूरत पड़ेगी और बीच बीच में आप इसे धूप जरूर दें। और धूप की अगर इसमें कमी हो जाती है तो क्या होता है, इसके जो लीव्स हैं वो थोड़े थोड़े जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ये बंच लगता है ना, लेकिन अगर धूप की कमी हो जाती है तो ये लीव्स बिल्कुल बिखरे बिखरे लगते हैं, तो धूप की कमी की वजह से ये। तो फ्रेंड्स ये केयर है, आपको इस तरीके से सनलाइट देनी है और वाटरिंग करना है अपने सेकलेंट्स में और आपके जो सेकलेंट्स हैं आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाने वाले हैं इस विंटर। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी सेकलेंट पे इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी और आप लोग भी अपने सेकलेंट की इसी तरीके से केयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू।